मिर्जापुर में गुरुवार की सुबह थाना कोतवाली शहर क्षेत्र अंतर्गत बरिया घाट स्थित बेसिक शिक्षा विभाग कैंपस में एक कार में 52 वर्षीय शशिकांत त्रिपाठी पुत्र ओमकार नाथ त्रिपाठी निवासी पेंटेग्रा नाला थाना विंध्याचल के संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौत की सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली शहर चौकी प्रभारी वासलीगंज में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। ज्ञात हुआ कि मृतक शशिकांत उपरोक्त अपने परिवारी जन से अलग अपना जीवन यापन कर रहे थे। थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा परिजनों को सूचना दे दी गई है और शव को कब्जे में लेकर अग्रे तक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितने वर्षों से रह रहे हैं? 20-22 साल से। आज ये जो लाश मिली है सुबह, वो किसकी लाश थी? ये शशिकांत त्रिपाठी थी। कहाँ के रहने वाले थे? ये बरिया घर निवासी थे। अच्छा। यहाँ पर इनका मकान निजी था, बिक गया। ये अपना पुराना पुश्तैनी स्थान नहीं छोड़ के गए। इनकी माँ, इनके बहन भाई सब विंध्याचल चले गए। इनसे कुछ ओजस से न माँ से बोलना चलना, न इनसे बोलना चलना, कोई सही नहीं था। ये नहीं था। नहीं, ये केवल इनका गाड़ी है, ये घर था, गाड़ी है, कारोबार था। कितने बजे आप लोगों को पता चला कि ये लाश यहाँ पे? हमको 9:30 बजे सुबह मालूम हुआ है। बुधवार की शाम जनपद में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों में भय पैदा करने तथा अमन चैन पसंद नागरिकों में सुरक्षित वातावरण के प्रति विश्वास बनाए रखने के उद्देश्य से जिला के कप्तान अजय कुमार सिंह के द्वारा भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में शहरी क्षेत्रों में पैदल मार्च किया गया। शहर क्षेत्र के मुकेरी बाजार से प्रारंभ कर ढूंढी कटरा बसनई बाजार कोतवाली शहर सहित संपूर्ण शहर क्षेत्र में किया। इस दौरान स्थानीय लोगों से जनसंवाद स्थापित कर शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। इस दौरान थाना प्रभारी कोतवाली कटरा, थाना प्रभारी कोतवाली शहर, चौकी प्रभारी मुकेरी बाजार, चौकी प्रभारी डंकिनगंज, पुलिस बल व पीएससी बल सम्मिलित रहे। इसी क्रम में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में संबंधित अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी व थाना अध्यक्ष व चौकी प्रभारियों द्वारा अपनी अपनी थाना क्षेत्रों में पैदल मार्च किया जा रहा है। जनपद लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे गुरुद्वारा कैडियाला साहिब से सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर किसान लिघासन तहसील की तरफ कूच कर टिकुनिया होते हुए कलेश्वर चौराहे पर इकट्ठा हुए। बेरायत गाड़ियां सहित समूचे क्षेत्र के किसानों ने ट्रैक्टर से प्रदर्शन करते हुए लिघासन PWD गेस्ट हाउस गेट तक पहुंचे, जहां रोड पर पहले से खड़े SDM ओम प्रकाश गुप्ता व एडिशनल SP खीरी तिकुनिया पूर्व कोतवाल रहे हनुमान प्रसाद, निघासन CEO प्रदीप कुमार वर्मा, सिगाही थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह, निघासन कोतवाल दिलेश सिंह व भारी संख्या में UP पुलिस के साथ PSC तैनात रही। वहीं किसान जोरदार नारेबाजी व प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन SDM को सौंपे। देखिए, मैं हम लोगों के यहाँ जो दिल्ली में किसान आंदोलन हो रहा है, वहाँ से जो आह्वान किया जाता है, वो किसान जो है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, सभी को आह्वान है। लेकिन अगर सभी जो है सिख लोग हैं तो सिख सामने आते हैं। तो हमारा उन 50 किसान, जो 50 से अधिक किसान जो अपनी प्राणों की आहुति दी है, उनको नमन रैली व किसान जागरूकता 7 जनवरी की रैली थी पूरे भारत वर्ष में, उसी को लेकर लेके नमन रैली किसानों को जिन्होंने प्राणों की आहुति दी है, और हमारी जागरूकता रैली है। और हमने राष्ट्रपति महोदय को संबोधित किया है कि ये 3 कृषि काले कानून जो वापस हों, वो हमारी जो है खाद्यान्न पर जो हमारी कृषि उपज है उस पर लाभकारी मूल्य में संवैधानिक तरीके से गारंटी हो, और उससे नीचे खरीदने वाले को संवैधानिक कार्रवाई। मेरा लोकल प्रशासन जो हमारे तहसील लेवल के हैं, उनसे यही अनुरोध है कि वो हमारी जो बात राष्ट्रपति महोदय तक पहुँचाएंगे, और हमारा सभी किसान, चाहे युवा किसान हो, बुजुर्ग हो, सभी ने बहुत बहुत सहयोग किया। आप लोगों का, पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत सहयोग। हम जिस तरीके से शांति के लिए मार्च लेके आए, इसी तरीके से वापस जाएंगे। आने वाले समय में जो भी आदेश दिल्ली से हमें पारित होगा, उसकी पालना की जाएगी। निघासन से मेरा एक ही मकसद है, ये जो तीनों कानून है काले, इनको वापस किया जाए और नए तरीके से कानून बनाए जाए, किसानों के साथ मिल बैठकर
और गारंटी मूल मतलब लिखित होना चाहिए, एक कानून, किसी आश्वासन नहीं कि मैंने आश्वासन दे दिया ऐसा ही होगा। किसान को विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि धान उसका बिका ही नहीं है, सारा धान पड़ा हुआ है। इसलिए प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से मेरा विनम्र, सभी किसान भाइयों की तरफ से विनम्र निवेदन है कि किसानों की जो 50 शहादत हुई हैं उनको तो मैं पहले श्रद्धांजलि देती हूँ, उसके बाद ये कहना चाहती हूँ कि ये MSP पर कानून बनाए, तीनों बिल वापस लें, मिलजुल बैठकर देश को समृद्धि और किसानों का उज्जवल भविष्य बनाएं, बस यही मेरी नम्र प्रार्थना है, और काले कानून वापस लें। और मीडिया प्रभारी, मीडिया लोगों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। यही अनुरोध है राष्ट्रपति जी से, जो हमने आज विज्ञापन दिया है कि जो काले तीनों कृषि कानून हैं इनको तुरंत वापस किया जाए और हमें MSP पे गारंटी दी जाए और उस पर कानून बने, उससे नीचे खरीदने वाले को संवैधानिक कार्रवाई हो, यही हमारी प्रमुख मांग है। किसानों को सरकार पहचान नहीं रही, उनको खालिस्तानी और आतंकवादी बता रही है, उसका कारण क्या है? सरकार कहती है कि ये जींस में लग्जरी गाड़ियों में ये किसान नहीं हो सकते। सरकार का सोचना बिल्कुल ठीक है, जिस किसान को 70 साल से बर्बाद करने की राजनीति की जा रही है वो किसान लग्जरी गाड़ियों में जाता है, पैंट पहनकर जाता है जींस की, तो सरकार को लगता है ये किसान ही नहीं है। लेकिन उसको ये नहीं पता है, मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो मत खुदा है यार, और खुदा मेहनत का मूल्य देता है, किसान दिन रात मेहनत करता है। और मैं ये कहूँगा भारतीय किसानों को, जो आतंकवादी कहते हैं, जो खालिस्तानी कहते हैं, उन पर मुकदमे कायम होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।